चार दशकों तक माइकल ने अपने मूव्स, सॉन्ग्स, स्टाइल और कंट्रोवर्सीज से दुनिया पर राज किया। ऐसे जब भी जैक्सन का जिक्र होता है, उनके फेमस मूनवॉक की झलक आंखों के सामने तैरने लगती है। पर कुछ और भी था जैक्सन के पिटारे में, जिससे लोगों को रूबरू होना था। 1987 में रिलीज हुई स्मूथ क्रिमिनल, इसमें माइकल का एंटी ग्रेविटी डांस उनके फैंस को पागल कर देने वाला था। 45 डिग्री तक जैक्सन का ग्रेविटी के खिलाफ झुकना लोगों के लिए अनबिलीवेबल था। लेकिन क्या वाकई ये जादुई करिश्मा था? दरअसल एल्बम में इस एंटी ग्रेविटी लीन के लिए जैक्सन और उनकी टीम ने वायर्स की मदद ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊंचे पहाड़ से कूदने या उड़ने के सीन्स बड़े पर्दे पर स्ट्रिंग या वायर की हेल्प से फिल्माए जाते हैं। एल्बम में तो ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में क्या होगा, ये चिंता जैक्सन को थी। वक्त आया तो लाइव परफॉर्मेंस भी हुई और एंटी ग्रेविटी लीन भी। लोगों को कहीं वायर नजर नहीं आई। फिर क्या वाकई ये मिरेकल स्टेप था? इस वीडियो को गौर से देखिए, कुछ अटपटा लगेगा। डांस स्टेप के दौरान साइड आर्टिस्ट का पैर कहीं फंसता है। यही है जैक्सन के एंटी ग्रेविटी लीन की सच्चाई। दरअसल लाइव परफॉर्मेंस के लिए जैक्सन ने खास जूते बनवाए थे। इसके लिए स्टेज में खास प्रोविजन करने पड़ते थे, ताकि कील की मदद से ये शूज उसमें फिट हो जाए और डांसर आराम से ये स्टेप कर सके। जैक्सन ने इस शूज को पेटेंट भी करवाया। इसके लिए 1993 में US गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी। तो ऐसे माइकल का इजाद किया हुआ एंटी ग्रेविटी इल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाया, और अब तो ये शूज स्पेशल डिमांड पर बेचे भी जाते हैं। लेकिन एक बात तो है, जितनी स्मूथली माइकल जैक्सन ये स्टेप करते थे, वो कोई नहीं कर पाया। स्पेशल रिपोर्ट, दैनिक भास्कर.com।